नमस्कार पशुपालक साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लाडी जवाना डेयरी फार्म पर। आज आप पहुंचे हैं भाई एक सनसनी बनी हुई झोटी है भाई भाई चटैला की सनसनी। भाई ने 61 लाख रुपए कह रखे भाई बिकेगी तो बेचेंगे। झोटी ने पूरी सनसनी मचा रखी है भाई। आज का टाइम पे यूट्यूब हो कहीं भी हो किसी भी मान ले पशुपालक की जुबान पर हर एक की जुबान पर झोटी है भाई। झोटी में के गुण है के नहीं है भाई तम झोटी के मालिक से पूछेंगे। झोटी अपन देखी भाई झोटी में अपनी नज़र में तो आपको कोई जज नहीं, अपनी नज़र में कोई कमी नहीं है। कई जगह मेरे भी जीत कह रही है झोटी। झोटी का जो कुछ भी है बॉडी स्ट्रक्चर है जो भी अपन बात करें झोटी में आज के दिन में कोई कमी नहीं है झोटी ने। और झोटी ने पूरी सनसनी मचा रखी है जो आप लोग सुनोगे या यूट्यूब पर देखोगे जितने पशुपालक हैं देखने वाले हैं झोटी ने हर जगह बात चटैले की झोटी चटैले की झोटी आई सुनने मिलेगा भाई। भाई तो मिलवाएंगे और सारी जानकारी भाई पे ले आएंगे। आप राम राम चटेले भाई। राम राम भाई साहब। भाई अपना भाई अपना एड्रेस कंफर्म कराया दे चटेले। गांव जुई खुर्द जिला भिवानी। भाई संजय कुमार। संजय कुमार भाई नंबर भी बोल दो चटेले अपना सुन। 126-12007 98-126-12007। भाई चटेले अपनी झोटी ने इतनी वह करखी है ले लोगों की नज़र में भाई चटेले की झोटी नहीं हुआ नहीं हुआ के खूबी है भाई झोटी में अपने इतने रुपये महंगे किस उस रेस पे मांगे आपने के कुछ है झोटी का के जानकारी अपनी सारी डिटेल बताए दो भाई झोटी की। भाई खुद भी तो देखो यार कैमरा शाम ही है इसमें सारी चीज बता देख रही हो ये मैं बताऊंगा कि मेरा बता कुछ बड़ा नहीं। हां 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 तो चीज है ना तो हर बार यार जित भी मेड़म गई है। हां हां वहां के तो फर्स्ट आई है सेकंड आई फर्स्ट सेकंड आई है जितने भी मेड़े में गई है कौन से मेड़े में गई चटेले भाई। भाई साहब यार पूरा तगड़ी खेड़ी खीरी चैंपियन बनी। खीरी चैंपियन बनी थी और कुरुक्षेत्र डीएफएम में दो दांत चैंपियन बनी। दो दांत में चैंपियन बनी थी। जगराओं या सेकंड रही थी पीडीएफएम में। जगराओं पीडीएफएम में सेकंड रही। हरियाणा सरकार का दादर लगा था उसमें भी सेकंड रही। जो हरियाणा सरकार का दादरी मेला लगा था भाई उसमें भी सेकंड रही थी। मंदिरगढ़ लगा था उसके बाद में। हाँ हाँ वहाँ भी सेकंड आई। मतलब जितने भी मेले में गई है झोटी नंबर पोजीशन लेकर आई है फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड उससे नीचे तो नहीं गई। फर्स्ट सेकंड झोटी लेकर आई है भाई। आज झोटी कै दांद चटैले भाई। चार दांद होगी बस एक भिन्ना हो गया। चार दांद चार दांद होगी भाई एक भिन्ना हो गए तो ये झोटी तीसरी ब्यांत की झोटी है तो उनते भी चौड़ी लंबी ऊंची झोटी में आज भाई कोई कहना बाल समान के भी कोई कमी नहीं है झोटी में। स्टाइल भाई कौन से झोटे की है यार। या भाई साहब धर्मपुर है पंचायती। हाँ कहाँ पे पहले तो जितरा जितपुरा गांव में था पंचायती। ठीक है स्टाइल भाई ये भाई वो फिलहाल आजाद नगर गांव में मनु सांगवान दौरा उसने नीलामी में छुटवाया। ठीक है नीलामी में उसने छुटवा लिया। ठीक ये भी अरे इसका तड़ा बच्चा उच्चा भाई इसका तड़ा बच्चा है लक्ष्मी डेयरी फार्म का राणा बुल है उसका। राणा बुल का अरे दूध कितना चटैले भाई कै दिन की ब्याई हो रही है आज भाई साहब ये एक महीने की एक महीने की ब्याई दूध दूध है इसमें 15 किलो 15 किलो पूरा हूँ बताने से झोटी मेरे से 18 किलो बता दो भाई किलो बताई जाओ। देखो झोटी का गैप भाई एक मैं ब्यूटी ब्यूटी का हो डांगर ऊपर तो देखो कितना गैप है मेरे ख्याल में। चटैले भाई आपने तो वो नहीं करेगी परेशान झोटी एक बार मैं आपके दिखाओ गैप कितना उंगड़ांगला देखो भाई कितना बढ़िया मजबूत था ना यार गैप देखो खर की झोटी चार दांत है। देखियो भाई मैं आपके दिखा रहे हैं छह उंगल लगभग देखिए कितना छोटा सींग है। झोटी ने जिस तरह सनसनी मचा रखी है यूट्यूब पर लोगों की नजर में तो झोटी में कोई कमी भी नहीं है। देखो कितना बढ़िया बच्चा राणा बुल का लक्ष्मी डेयरी फार्म वाले का तो झोटी में आज का टीम में कोई कमी नहीं है। चटैले भाई आपने जो ऐलान कराया था एक भी बेचेंगे तो 61 लाख की बेचेंगे इसमें पैसे पूसे भी लगे भाई फोन फान आए। हाँ पैसा लगा भाई साहब। कितना लगा भाई चटैले। पैसा लगा भाई साहब इसका अजय नंबरदार सिंहवाल लगाया था 25 लाख रुपए। अजय नंबरदार ने सिंहवाला ने कोई भाई पूछ ले तो सच्चाई है चटैले भाई। सच्चाई है भाई अजय का अजय ते पूछ लियो भाई। अजय नंबरदार ते हाँ कितने लाए भाई। 25 लाख रुपए। उसने कितना 20 लाख रुपए प्रवीण फौजी है भाई साहब। भाई मोनवीर कुंडू लाए 42 लाख रुपए। मोनवीर कुंडू ने 42 लाख रुपए और नरेंद्र सेक्टरी ने लगाए से 45 लाख रुपए। नरेंद्र सेक्टरी है भाई अंकल जी उन्होंने 45 लाख रुपए लाए अपनी डिमांड भाई। फिर पैसे तो बहुत लगे थे पहले 61 लाख की है और फिर पैसे तो बहुत लगा दिए थे भाई आपने 61 मांगे 61 मांगे आपने 45 लगा दिए तो कुछ नहीं अरक फर्क था दे देनी थी जो बेचनी तो थी ना, ना, या तो बेचनी तो ना बेचनी बेचनी तो जो 61 लाख की ही बेचनी है नहीं बेचनी नहीं भाई। आप चटैला भाई तो एक बात और कहना चाहूँगा जिस चीज़ ने अपना नाम कर दिया वो बेचनी भी नहीं चाहिए चटैले भाई अपनी तो यह सलाह हूँ आपकी मर्जी है।
भाई साहब सलाह तो आपकी ठीक से, लेकिन मैं बीमार हूँ, दार मंद मारनी है। हाँ हाँ दार भी सुनो मेरी बात, या काटड़ी थी। हाँ हाँ आप ही बताया ना सही बात, मैं इसका ठट्ठा गिर जाने पाड़ ली मैंने। ठीक है बात, ईब काम ज्यादा हो गया। हाँ काम ज्यादा हो गया भाई, कल नाची जोटी है नहीं मेरा लड़िया तो दिक्कत। हाँ लोग कहेंगे कड़ा गई चटाले की जोटी। कड़ा गई वकीत खोगी, हाँ हाँ मैडम ले जाऊंगा दुखी होना है, पांच चार बालक और चाहिए सीती चाहिएंगे भाई चाहिएंगे चटाले। और काटड़ी ना तो मैं एकलो पकड़ ले जंदो हांडी जंदी। हाँ कल्ला का बस का भी काम नहीं रहा। वो दो भाई बात का था वो भी भैया सर ला जिंदा। हाँ ठीक है भाई, दो तो भाई। या दिक्कत है ना वो जोटी खड़ी रहेगी, या फिर कोई पैसा को उसमें थोड़ी बच्चा। हाँ पैसा को उसमें भाई सेल नहीं करते भाई, का रब ने जगाड़ बहुत बढ़िया दे रहा। देखो भाई कोशिश साइड तो नहीं सोच ली, परली साइड दी है दी थाना में गैप, देखो कितना बढ़िया। तो लेआउटी देखो भाई हालत है तो बहुत बिचा। कितने बजे काटो सटैले भाई भाई साहब दर? कदे कदे तो 4 बजे भी काट लिया, हाँ हाँ जाग तो आ जाए, तो ठीक है आज लिख लो इसकी 7 बजे। आज 7 बजे दार लिख रही है भाई, आप वीडियो बनाने लगे ना और चार भाई बजे कदे 3-4 दिन तो 9 बजे भी काट दी, सवेरी 9 बजे सवेरा 9 बजे कौन सी किस काम में बिजी हो जाए थे भाई। भाई एक तो मामा एक्सपायर हो गया था ठीक है और भाई। एक बुआ। अच्छा दो तीन डेथ हो गई थी भाई के परिवार में भाई, तो इस उन्हें मजबूरी टाइम में। को कम्बिनेशन बैठे को ना अपन जरूरत वक्त काटने की जो चीज होगी वो दिखा भाई। वह तो उन्हें दिख जाएगी भाई स्टाइल। आज का दिन में भाई आप केस शिफ्ट करेंगे अपना, तो पहला आप तो छोटे ही यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े भाई है क्या वीडियो बना के ले जा रहे हैं जितने भी यूट्यूबर हैं अपने हरियाणा के, लाजमी जितने भी यूट्यूबर थे सारे आ क्या बना के ले गए। आप स्पेशल जोटी देखना आए थे यूट्यूब की वीडियो का, अपना कोई इतना वो नहीं था, अपने जोटी तो नहीं था माँ कहते ऊँ यूट्यूब पर कुछ तक कुछ कंधे हो कुछ घटते हो, आप भी देखा अपनी कह कर नंगी अखा तो देख ले जिस चीज़ ने विश्वास उस पर करना चाहिए इंसान ने, तो इस वजह से आए थे। स्टैले भाई और कुछ के कहना चाहोगे दर्शकों? भाई और तो क्या पशुपालन कहना, में कुछ फायदा नफा पशुपालन में नुकसान? भाई साहब देखो फायदे अच्छी चीज पाला तो अच्छी चीज पालोगे तो फायदा ही है। हाँ और भाई को काटना चला हुआ तो कोई फायदे को हाँ हाँ कोई 10 किलो वाली या कोई ना बुंडी ना, सुतरी। देख दूध तो 10 किलो भी दे देगा वह कोई जरूरी को नहीं, लेकिन कम से कम क्वालिटी तो। हाँ क्वालिटी तो देखने की तो अच्छी हो कर खड़ी। दूध तो भाई पशु बीमार हो जाए कम देने पावे सही रूटीन पे जाए वो दूध ज्यादा दे दे दूध दार की, लेकिन कम से कम क्वालिटी तो पशु घर खड़िया भाई अच्छा तो लगा। अच्छा तो लगता है। हाँ हाँ भाई दर्शकों जो अपने दर्शक हैं उन्हें भी देख लियो कि जो टी और आप भी कह रहे हैं भाई चुटैले की मेहनत है भाई, एक मैंने विकलांग ही है भाई तो कहना तो चाहिए नहीं, आपने किसी तो भी यह चीज़ नहीं करवानी चाहिए कि आप में कोई कमी है, तो भाई की मेहनत ने देख कर नहीं बताओ यू एक आम जो मेरा वर्गा भाई है स्वस्थ है उससे ज़्यादा मेहनत करके भाई ने देख कितना अच्छा पशु तैयार कर लिया कि पशुपालन में कितना फ़ायदा है अगर अच्छा अच्छी मेहनत करोगे अच्छा पशु तैयार करोगे तो। अगर वही बात है अगर बहन दोगे लेकर 50 लाख की कोई भाई मेरे वर्गा ले जाए इसने और इसका नाश कर दे उसका कोई फायदा नहीं भाई, ना भाई मेहनत मांगेगी। मेहनत मांगेगा भाई, पशु है कोई भी चीज़ है वो मेहनत जरूर मांगेगी हाँ, भाई। इसने खरीदा उसने जिंदा सांप गढ़ में गालना भाई। हाँ भाई इतने रुपए लेके तो जिंदा सांप गालना भाई गढ़ में, 2 किले आ जाए स्टैले भाई आपने कीमत इतनी रख दी बिल्कुल आ जाए भाई पशु की, तो आदमी मेरे कोई भी आदमी नहीं सोचेगा भाई 2 किले ले लूँ मैं। हाँ वो तो देख शौक हो भाई, किसी ने किला कोई भी अच्छा लगे किसी ने पैसा अच्छा लगे सकीन आदमी लेगा किसी भाई, ने अच्छा लगे जिसने किसी ने इसकी भाई कीमत का पता होगा वही भाई पीछे लगावेगा के क्वालिटी है, सारी क्वालिटी देखा था भी पैसे लावेगा भाई। देखियो भाई 4 बजे किसी बन रही है अपनी जोटी है भाई चटेला भाई की, 7 बजे सवेरे 7 बजे की धार लिखड़ी है भाई की। भाई ज़्यादा आप कई बोलेंगे ना अपना इतनी जानकारी यूट्यूब के बारे में, आप यह कहोगे भाई की जोटी ना जो सनसनी मचा रखी है वो झूठी नहीं है भाई। मैं बता दूंगी आपने जितने वीडियो हैं हाँ हाँ लोगों की वीडियो देखा थन वीडियो ने पा उसकी नटरो है हैं हाँ हाँ गड्डू मन माने ले उठी से हाँ हाँ उन्होंने 2 दिन दूध को निकाल वो तंबू सा था। हाँ वो 18 भाई सुरेंद्र की वीडियो बनाई थी पहले भाई, उन्होंने कहा था भाई कि 18 घंटे का टाइम लगा दिया भाई। ना भाई क्या तला था टाइम है हाँ हाँ कि खराब थोड़ी करनी नहीं भाई ठीक है। और कई भाई न्यू कर दिए बोले दूध दिखा हाँ ठीक है चले भाई, तो बट्टे मांगे नजर दिखाओ और मारी भैंस और मारी मर्जी तो दिखाओ। हाँ अपने से आप भाई किसों का कहने था और कर्ण था कोई बात नहीं है, जिस दिन हमने टेम लग गयो हमने फुर्सत होगी दिल खुश हो उस दिन दूध भी देखा उस दिन दूध भी जरूर दिखाओगे चलो भाई ने कहा दूध जब सूत बैठो तो मेड़ा में दिखावा दंगल में। अच्छा दंगल में भाई की इच्छा यह है कि दंगल में ही दूध दिखावा जितना भी होगा, तो अपने अपने घर और यूट्यूब पे बताने था तो सबकी 20 किलो और 25 किलो दे भाई, भाई का कहने का मकसद ही है कि कहीं कोई मैं मेरी तबीयत ठीक रही ना मेरा टाइम पर हाँ हाँ दंगल में दूध दिखाऊंगा दंगल में दूध दिखाऊंगा और दंगल में कि जा आदमी में जो मैं दूध तोल दे तो वो दूध थोड़ा नहीं अंदर भाई का जज्बा देखो कि कह रहे हैं कि दंगल में दूध दिखाऊंगा अपना घर तो सब तोल दे हैं। तो चलो वीडियो बहुत लंबी हो गई टहला भाई तो इजाजत लेंगे
राम राम चटाले भाई, राम राम भाई। अगर वीडियो अच्छी लगा और भाई की जोटी अच्छी लगा तो वीडियो ने शेयर जरूर करिए भाई। राम राम है सारे दर्शक भाई।